राजा भैया कौन काउंटर कर रहा? बिल्कुल सहायता बचेगी नहीं, सहायता को तो अपने आप को सिलेंडर कर देना चाहिए। एक मुस्लिम सीधी सादी जिम्मेदार बैंक बोर्ड को अपने हिंदू मुस्लिम करने के लिए, ये तो बीजेपी की चाल है। गलत, बहुत गलत हुआ। तो योगी तो मुस्लिम मुक्त है, इसलिए मुसलमान मुक्त भारत होना चाहिए। मुस्लिम तो बीजेपी के खिलाफ जाता है, आपको मानते ये सब बीजेपी की चाल है, गैंग चलाती है वो। कल इससे पहले तो मेयर का इलेक्शन लड़ने जा रही थी, अभी आगे नहीं, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो मुख्तार अंसारी भी पड़े कायदे में सरेंडर हो रहे हैं। हम मौजूद हैं श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में, जहां आप देख सकते हैं कि ये जो दरेसी इलाका है मुस्लिम बाहुल क्षेत्र माना जाता है। जानते हैं कि अतीक के बारे में, अशरफ के बारे में, असद के बारे में, शाइस्ता के बारे में क्या मानना है मथुरा के मुस्लिम समुदाय का। सर ये बताइए कि ये जो एनकाउंटर हुआ असद का, सबसे पहली बात करें असद का जो एनकाउंटर हुआ उसका क्या मानना है आपका? असद का जो काउंटर हुआ है, बीजेपी ने अपना एक दाव खेला है बैंक वोट को अपने हिंदू मुस्लिम करने के लिए। ये ऐसा नहीं करती तो हिंदू वोट कैसा उनके साथ होता, तो उन्होंने हिंदुओं को अपना बनाने के लिए ये काउंटर किया उसका। ये तो बीजेपी की चाल है, क्योंकि 10:30 बजे मेडिकल के लिए ले जाना। नहीं, वो तो अतीक और अशरफ की हत्या हुई थी जी। अतीक और अशरफ की हत्या हुई, लेकिन असद का जहां झांसी में एनकाउंटर हुआ तो क्या मानना है, वो एनकाउंटर ठीक था कि नहीं थी? नहीं, एनकाउंटर तो करा गया, वो तो कहीं मारा गया था, उनने अपना बिल्कुल रखा कहीं, उनको मैं ही मार के उनको दिखा दिया गया कि एनकाउंटर कर दिया कि मास आया, विदेशी पिस्टन निकल ली, ऐसा कुछ नहीं है, ये बीजेपी की चाल है। अच्छा ये बताइए कि अतीक और अशरफ की हत्या हुई, क्या मानना है आपका अतीक अशरफ की हत्या पर? गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, इतना गलत हुआ बीजेपी ने, इतना गलत करा कि आज तक कांग्रेस ने भी नहीं करा, और भी पार्टियाँ आई, 70 साल कांग्रेस राज कर गई, आज तक इंदिरा ने भी ये काम न कराया। नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना ये है कि अपराध मुक्त, भय मुक्त जो है शासन देने की बात है, है ना? लेकिन नहीं, अपराध मुक्त योगी तो मुस्लिम मुक्त है, मतलब उनका तो ये कहना है कि मुस्लिम मुक्त होने चाहिए। बहुत अपराधी पड़े हुए हैं कि सब मुसलमान ही है, अपराधी का मुसलमान ही है। योगी का तो ये है कि सिर्फ मुसलमान मुक्त भारत होना चाहिए, उनका ये मिशन है। अच्छा, शाइस्ता के बारे में क्या कहना है आपका, क्योंकि शाइस्ता अभी फरार है, गुड्डू मुस्लिम भी फरार है। ये जो है शाइस्ता, जब असद जो अशरफ जो है अतीक जब बंद था वहाँ पर जेल में, उसके बाद में गैंग को यही चलाती थी शाइस्ता, और अब भी जो है पुलिस की पकड़ से कहीं ना कहीं दूर है, क्या मानना है आपका? अरे ये सब बीजेपी की चाल है, गैंग चलाती है वो। कल इससे पहले तो मेयर का इलेक्शन लड़ने जा रही थी, अब वो गैंग चला रही है। लेकिन बसपा ने मना कर दिया कि अब वोट नहीं देंगे उसको, वो टिकट नहीं देगी। नहीं, बसपा टिकट नहीं देगी तो निर्दलीय लड़ती, पार्टी को जरूरी थोड़ी है पार्टी टिकट देगी तो लड़ेगी। ये तो अभी तक लड़ रही, तो उन्हें तो बना दिया गैंग, गैंग स्टार थी वो, या गैंग चलाती थी। एक मुस्लिम सीधी सादी जिम्मेदार, माँ के लोगों से पूछिए यहाँ के रहने वाले, वो कोई भी कहते कि गैंग चलाती है, कोई गैंग नहीं चलाती। ये सब बीजेपी की चाल है, उनको ख़त्म करने की चाल है। अभी आगे नहीं, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो मुख्तार अंसारी भी पड़े हैं, उनको सबको उनकी चाल है कि इनको ख़त्म कर दो। आप इनके इलाके में आके देखिए, इतने बड़े कोई गिमलर नहीं है वो, ठीक है बाहुबली है, अच्छे लोग हैं, अच्छा काम करते हैं, उन्होंने जो भी किया है गरीबों की मदद की है। अब योगी जी लेकिन बताया जाता है कि जो अब राज खुले हैं कि अतीक ने जमीनें भी कब्जाई हैं, इलीगल जो है काम भी किए हैं, मकान भी कब्जाए हैं, वो कितना सही था? बहुत गलत है। अब सामने होते ना आते, जिंदा होते तो सब मालूम पड़ती, पीछे तक कोई कुछ भी कह सकता है कि जमीन अपड़ाई है, कि डकैती डाली, चोरी करी, ये तो पीछे कोई भी कुछ कहता रहे। जब वो जेल में नहीं थे सब इनको अच्छा कहते थे, आज मरने के बाद में सब उनको बुरा कहते हैं। दादा आप बताइए कि शाइस्ता के बारे में आपका क्या मानना है, आप बताइए पहले। मैं बताऊँ आपको, राजा भैया कौन काउंटर कर रहा? राजा भैया को कौन जेल पहुँचाया? उन्हें हजारों आदमी तालाब में डलवा दिए, राजा भैया ने हजारों आदमी तालाब में डलवा दिए, उसको जेल नहीं पहुँचाया। एक कह रहा मैं SSB को मारा, ऐसे कुछ नाम था उसका लड़के का, मुसलमान था, उसको मारा, उसको मारने के बाद में अब आप लोगों का क्या मानना है, शाइस्ता को सरेंडर कर देना चाहिए कि नहीं? शाइस्ता को कायदे में सरेंडर हो रहे हैं।
बिल्कुल कर देना चाहिए, सरेंडर हो जाना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए। क्या मानना है कि पुलिस अगर सरेंडर नहीं किया गया शायस्ता का भी एनकाउंटर हो सकता है? बिल्कुल कर देंगे, बिल्कुल, शायदा बचेगी नहीं, शायदा को तो अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए। गुड्डू मुस्लिम बताया जा रहा है कि मुखबिर बन गया गुड्डू मुस्लिम पुलिस का, वो तो राजनीति है, गुड्डू मुस्लिम की तो सबली चाल है, उसी ने तो मर पाया, उसका पैसे की वजह से उसने सब करा दिया, गुड्डू मुस्लिम की चाल है। गुड्डू मुस्लिम ही नुमाइंदा था? गुड्डू मुस्लिम था, ठीक। मतलब आप लोगों का मानना ये है कि ये जो एनकाउंटर हुआ गलत हुआ है, तो मुस्लिम जो है इसके खिलाफ है? मुस्लिम नहीं, बहुत मुस्लिम खिलाफ है, मुस्लिम भारत से थोड़ी कहेगा, मुस्लिम तो अंदर से डरा। ये बताओगे अभी ये निकाय चुनाव आ गया, क्या सोच कर वोट देगा मुस्लिम? मुस्लिम तो बीजेपी के खिलाफ जाता है, आपको मालूम है, मुस्लिम बीजेपी के खिलाफ जाता है, बीजेपी के खिलाफ वोट डालेगा।